दोस्तों आज हम बात करेंगे कि नेपाल में जो चालू हो रहे प्रोजेक्ट मुक्तिनाथ प्रोजेक्ट के बारे में। तो इस प्रोजेक्ट में जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो केबल कार जो नई काफ़ी लंबे दूरी तक लगने वाली है और इसी के बारे में अपन बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जो नेपाल के टूरिस्ट डेवलपमेंट और जो तीर्थ स्थलों में जो डेवलपमेंट हो रहा है काफ़ी अच्छे लेवल पे प्लानिंग्स हो रही हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो मुक्तिनाथ केबल कार प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों मुक्तिनाथ के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, नेपाल में एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो मंदिर है वो बुद्धिस्ट लोगों के लिए और हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म के जो देवता हैं वो विष्णु जी को वहाँ पूजा जाता है और विष्णु जी जो हैं वो कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट धर्म से भी जुड़े हुए हैं। तो जो दोनों धर्म के लोग हैं वो उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी जो तीर्थ स्थल पे कई सारे जो बड़े लीडर्स थे उन लोगों ने भी जा कर के बहुत पूजा अर्चना की हैं, जो कि भारत के नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर है उनने भी जा कर के पूजा की थी वहाँ पे। उस जगह का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बड़ा है और वहाँ पे जो पानी का रिसाव होता है वो भी गर्म काफ़ी चश्माशाही किस्म का पानी होता है, जो कि आपके पूरे के पूरे जो बॉडी के स्किन के प्रॉब्लम्स होती हैं वो ख़त्म कर देता है अगर आप उससे नहाते हैं। तो ये तो हुई छोटी छोटी चीज़ें, साइंटिफिक चीज़ें। तो अब हम बात करें दोस्तों जो टूरिस्ट डेवलपमेंट में जो वहाँ के जो मुक्तिनाथ दर्शन प्राइवेट लिमिटेड हैं उनने एग्रीमेंट किया था इन्वेस्टमेंट बोर्ड के साथ 11 सितंबर 2018 को। इसके साथ ही मेन चीज़ ये है कि जो DPR है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, वो बन करके तैयार हो गया है और इसने लगभग ये बताया कि जो 53 अरब डॉलर की परियोजना रहेगी, इसमें केबल कार होगा और केबल कार से ही लोग यहाँ से वहाँ जाएंगे। और मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों, ये 13 महीने में इसका जो बनाने की प्रक्रिया है वो चालू हो जाएगी और एस्टिमेट ये है कि लगभग 56 महीनों में ये बन करके तैयार हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके स्पेक्स की। तो दोस्तों जो ये शुरुआत होगी, जो ये रूट होगा वो टिकलेडुंगा, काबरे और जोमसोम से होकर के कागबेनी और लास्ट में मुक्तिनाथ, ये लगभग जो है वो 80.16 किलोमीटर का मतलब लेंथ रहेगी इसमें और ये बहुत ही लंबी केबल कार होने वाली है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये टूरिस्ट स्तर पे देखा जाए तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है और इससे काफ़ी रेवेन्यू और काफ़ी लोग आएंगे भी और स्टे भी करेंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जो ये केबल होगा, जो केबल कार होगी, वो जो 80 किलोमीटर के जो डिस्टेंस पे चलेगी, तो इसमें बीच बीच में कुछ स्टेशंस भी होंगे, बनाए जाएंगे, पर्टिकुलर स्थान पे रेस्टोरेंट भी रखे जाएंगे और होटल्स भी रखे जाएंगे, जिससे क्या है लोग चाहे तो वहाँ स्टे कर सकते हैं, धीरे धीरे करके अपना ट्रैवल कर सकते हैं। और जो यह जो पूरा टेक्निकली देखा जाए तो इसका जो सर्वे का काम जो है वो ऑस्ट्रेलियन कंपनी AAN ग्रुप ने किया है और साथ में जो इटालियन कंपनी है रोप GmbH है, तो इसने इन दोनों कंपनी ने अपने कुछ सर्वेस का काम किया है और काफ़ी यह भी बताया है कि टेक्निकली एक्सपेक्टेड तरीके से यहाँ पे बनाया जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ये प्रोजेक्ट है वो लगभग डॉलर के हिसाब से, जो अभी डॉलर का रेट चल रहा है नेपाली करेंसी में, लगभग 113 के आसपास का चल रहा है, तो इस हिसाब से जो एस्टिमेट बनाया गया है वो 53 अरब रुपए का बनाया गया है। हालांकि अगर मान लीजिए कि भविष्य में अगर डॉलर का भाव बढ़ता है तो इस प्रोजेक्ट का रेट भी बढ़ेगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो स्टेशंस हैं जो इस रूट पर होंगे, जो बनाए जाएंगे केबल कार के स्टेशंस, वो लगभग 19 स्टेशंस होंगे। तो पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें रेस्टोरेंट होगा, होटल होगा और बाकी बहुत ही सुख सुविधा की चीज़ें होंगी, जो कि लास्ट में जो आपका डेस्टिनेशन है मुक्तिनाथ उसको सीधा कनेक्ट करेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो केबल कार है चलता तो इलेक्ट्रिसिटी से ही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका पावर कंजप्शन कितना होगा ये मेन फैक्टर रहेगा। तो जो एस्टिमेट बनाया है, जो DPR प्रोजेक्ट के अंतर्गत बताया है, वो लगभग 13 मेगावाट की बिजली खर्च होगी इसको चलाने में। तो अब देखते हैं कि इसका प्लानिंग और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, पर एक बार ये प्रोजेक्ट बन गया तो ये नेपाल के टूरिस्ट डेवलपमेंट में, टूरिस्ट के रेवेन्यू संबंधित
डेवलपमेंट में काफ़ी बहुत बड़ा माइलस्टोन का काम करेगा। तो बहुत ही बहुत अच्छी खबर है कि नेपाल इस रास्ते में आगे बढ़ रहा है। हालांकि पॉलिटिकल क्राइसिस तो हैं, चल रहे हैं, परंतु कभी ना कभी सॉल्व हो जाएंगे। पर डेवलपमेंट ऐसा है कि वो रुकना नहीं चाहिए, देश का हमेशा भला ही होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो इसकी जो हाइट जो ट्रैवलिंग होगी 1000 मीटर की हाइट से लेकर के लगभग 3000 मीटर के ऊपर तक की हाइट के एल्टीट्यूड को कनेक्ट करने का ये प्रोजेक्ट है। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छी बात है, और नेपाल इससे आगे डेवलपमेंट करे। तो देखना यही रहेगा कि अब ये प्रोजेक्ट कितनी जल्दी से जल्दी बनता है। हालांकि जो टेक्निकली कह दिया गया है कि 56 महीनों में यह स्टार्ट हो जाएगा, मतलब काम शायद चालू हो चुका है, जो कि 13 महीने से स्टार्ट हो जाएगा कहा है। अब इस पर जो बजट की जो कार्रवाई है, और जो मुक्तिनाथ दर्शन प्राइवेट लिमिटेड और जो आपके इन्वेस्टमेंट बोर्ड है, वो सब फंड्स जुटाने में लग गए हैं, स्टेक्स जुटाने में लग गए हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये तैयार होगा कि बहुत ही अच्छा लोकेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये अच्छी बात है, नेपाल डेवलपमेंट की राह में चल रहा है, बहुत खुशी की बात है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं। आप चाहे तो कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा दोस्तों, जिससे आप और वीडियोज़ और इसी प्रकार की देख सकें, आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।